अभी। जी सलाम वरहमतुल्लाह। वह मुफ्ती सिद्दीक साहब जी, तेलंगाना कौन सी जगह है? नलगोंडा जी। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है जी, अल्लाह का बदला अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आप कौन? मैं अब्दुल हकीम बोल रहा हूँ जी। कौन? अब्दुल हकीम सर। अब्दुल हकीम साहब यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ यूपी से बोल रहा हूँ, यूपी से। अच्छा अच्छा वो गुजरात के जमीयत के जिम्मेदार क्या? नहीं 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 गुजरात की जमीयत नहीं, यूपी से बोल रहा हूँ हजरत। अच्छा अच्छा आप बोलिए। कुछ अल्लाह से कुछ समझना साहब, मुफ्ती साहब हैं इसलिए समझना चाहता हूँ। अब हमारे पास कुछ लोग आए थे और ये कह रहे थे कि मौलाना साद साहब के ऊपर देवबंद ने कुछ। अरे हजरत वो नहीं बोल सकता, मेरे इस्बाक का वक्त है ये। इससे पहले भी यूसुफ साहब ने बात की, जब भी एक सबक चले गया, और अब बिल्कुल छुट्टी का वक्त है, मैं नहीं बात कर सकता। अभी तो आप बड़ी लंबी बात कर रहे थे फोन पे, तो मैं क्या करूँ? वो पूछते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? बताइए भाई, आप रख दीजिए, मेरा सबक जा रहा है, मुझे सबक पढ़ाना है, कल भी सबक नहीं हुआ। कब सबक आपका खाली होगा, उस वक्त फोन करूँ? देखिए मुझे आप कोई समझाने की जरूरत नहीं, मेरे पास पूरे वो किताबा है, और हम लोग ही वो लोग हैं जो सबसे पहले साद साहब के खिलाफ बयान दे चुके हैं। मजीद ज्यादा उनके पीछे पड़ के उनको टांगा खींचना में तो ये मुश्किल है। यही सुनिए मेरी बात, सुनाइए। दारुल नलगुंडे में जो है कोई ऐसा फतवा उनके ना मुआफ़त में गया ना मुखालफत में। अलबत्ता ये सुन लीजिए, हमारे नलगुंडे की तरफ से मौलाना एहसानुद्दीन साहब ने ही बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ मजलिस इल्मिया की तरफ से बयान दे दिया है, बस खत्म। मस्जिद हम लोग बीच में नहीं जाते, वो यही बोले कि हम जो है शुरा के साथ हैं, और हम जो है मौलाना साद साहब के तरीक़ेकार को नापसंद करते हैं। वो जब तक अकाबिर के पास रुजू नहीं होंगे, खासकर मुफ्ती सईद साहब मोहतमिन साहब के पास, और अपनी बातों से रुजू नहीं करेंगे, हम लोग उनको गलत आदमी समझते हैं, गुमराह समझते हैं, ये गलत तरीक़ेकार डाल रहे हैं, उसकी वजह से पूरी जमात बिगड़ रही है। सब बयान दे चुके हैं, मजीद मुझे हमको कुछ बोलना नहीं है, छोड़ दीजिए। वक्त मुझे बिल्कुल जा रहा है। आप इनके बयान से सहमत हैं जी? जो बयान इन्होंने दिया है मुफ्ती एहसान साहब ने, उनके बयान को सही मानते हैं? जी हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? तब ठीक है, जब उनका बयान है कि उनका। अरे भाई हमारे नादिम साहब है, वो मेरे नादिम है, मेरे चिच्चा है, मैं मदरसे में रहता हूँ, और हम सबका यही मौकफ है, और हमने दसियों मरतबा ये बात कही है, एक मरतबा भी नहीं। अलबत्ता यही कि भाई जो तरीक़ेकार मौलाना साद साहब अख्तियार कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये काबिल से बिल्कुल टकराने का मिजाज बिल्कुल गलत है, दसियों मरतबा बोल दिए हम लोग। बात बहुत अच्छी बात, ठीक ठीक, सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह के अवलीन साथों में 26 सितंबर बरोज़ हफ्ता बरोज़ इतवार 26 सितंबर 2021 एक साहब ने, पहले तो यूसुफ नामी एक साहब ने फ़ोन किया था, और उन्होंने कुछ जमात के बारे में उल्टे सीधे सवालात किए। हमने उनको बता दिया कि भाई ये लपड़े और ये झगड़े में और तनाज़े में हम पढ़ते नहीं, और हमें कोई मतलब नहीं है, आप जिससे जो पूछ लेना पूछ लीजिए, हमसे कुछ मत पूछिए। बल्कि उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर जो है बात रखी, लेकिन फिर झक झक करने लगे, तो हमने साफ कह दिया कि भाई देखिए हमारा इस्लाम तो है, हमारा मज़हब तो है इस्लाम, और हम मुकल्लिद हनफ़ी मजहबान जो है मुसलमान, और मसलकन हनफ़ी मशरबन चिश्ती, बस हमें अपने काम से मतलब है, और जो काम नहज नबवी पे हो रहा है तबलीगी काम जमात का काम, हम तो उसको अपनी जगह सही समझते हैं। जो हजरात इस सिलसिले में कुछ बात करना चाहें वो किसी और से बात कर लें, हमसे कोई बात ना करें। थोड़ी देर के बाद एक और एक साहब ने अब्दुल हकीम साहब का तारुफ़ कराते हुए कहा, तो हम ये समझे कि गुजरात के शायद मौलाना अब्दुल हकीम साहब जमात उलमा के हैं, लेकिन उन्हें कुछ और ही निकले वो, और वह इतने फितिन निकले कि बात तो उन्होंने कुछ और अंदाज में पूछी, और उसको उनवान अपनी तरफ से चढ़ा दिया कि पहले एक मुफ्ती सिद्दीक साहब ने अपना मौक़ छुपाया, और अब वादे कर दिया कि वो शुरा के साथ हैं और साथ साहब के मुखालिफ हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ये मसला ना तो हमारे कोई जहन में है, हम तो अकाबिर हैं, दोनों भी अकाबिर हैं, इसको हम अकाबिर मानते हैं, ना इस सिलसिले में कभी हमने कोई बयान दिया, ना अपना कोई मौक़ बताया। हम तो नहज नबवी के मुताबिक जो काम हमारे इलाके में हज़रत मौलाना साद साहब के ज़ेर निगरानी और यहाँ के इलाके के अतबार से जो काम जैसा चल रहा है, हम ख़ुद उस काम के ज़िम्मेदारों में हैं, और यहाँ के अहम तरीन ज़िम्मेदारों में है, और शुरा में है, और यहाँ की यानी
नलगुंडे की जो 11 अफराद की जो मौलाना साद साहब की तरफ से यहाँ के ज़िले के अतबार से जो कमेटी है उसका एक ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, उसका शुरा का एक रुकन हूँ मैं। लेकिन शुरा का ये मतलब नहीं कि मजलिस शुरा का वो जो शुरा का जो दूसरी तरफ से चल रही है उसका कोई मुझसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने साफ मौक़ में कह दिया कि भाई ये लपड़े धपड़े और ये मुतनाज़े में हमको पढ़ना नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं और हमें कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले इधर से कुछ कहा उधर से कुछ कहा, तो बाद में हमने कहा कि भाई देखिए नहीं गुमराह है फलाह है, बोले हम ये सब नहीं मालूम, जिस वक्त जो बात हो गई थी हो गई। और सब अकाबिर ने जो हमने ये कहा भाई सभी उलमा ने कहा था कि मौलाना साद साहब रुजू करें, बाद में मालूम ये हुआ कि वो रुजू भी करे, उनका रुजूनामा भी आ गया, रुजूनामा आ गया, तौबा हो गई, सब हो गया। गैर ज़रूरी एक मसले को जो जो है गलत फहमी का सबब बना था उसको फिर उछालना और उसकी वजह से फिर उम्मत में तनाज़ा पैदा करना या किसी शख्सियत को निशाना बनाना या इसमें मौक़िफ़ फ़लाँ का यह है फ़लाँ का यह है, इसमें क्या मौक़िफ़ है? क्या यह हनफियत का मौक़िफ़ है या इस्लाम के सच्चे और झूठे होने का मौक़िफ़ है या किसी और चीज़ का? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यह गैर ज़रूरी जो है लोगों के दरमियान में इंतशार फैलाने वाली कैफियत है। अलैकुम बिस्सवाद अलआज़म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहाँ जो बहुत बड़ी जमात है तुम उसकी साथदारी दो। यहाँ काम हो रहा है नहज नबवी पे हो रहा है, कोई काम खिलाफ सुन्नत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कोई ऐसी बात भी नहीं करते, ना कोई ऐसी बात को हम सुनना बर्दाश्त भी करते नहीं और कोई ऐसी बात होती भी नहीं। तो गैर ज़रूरी इसको जो है निशाना बनाना, काम को बिगाड़ना या काम के अंदर रखने पैदा करना, रुकावट डालना या किसी शख्सियत को लेकर उछालना या किसी शख्सियत के नाम पर कुछ मफाद हासिल करने की कोशिश करना, ये गलत किस्म के नाजायज़ गलत जो है इस्तदलाल ही नहीं बल्कि गलत किस्म का इल्ज़ाम इत्तेहाम बोहतान है। हमारा मौक़िफ़ साफ़ है, हम खुद इस मस्जिद घड़ी के ज़िम्मेदार हैं बल्कि तामीर का भी मैं ज़िम्मेदार हूँ और यहाँ के बचपन से लेकर आज तक हमारे वालिद साहब भी इसी जमात से रहे, हम भी रहे, अब भी हैं, पहले भी थे, सब कुछ है। लेकिन हम ना किसी को बुरा कहते हैं, ना किसी को बुरा मानते हैं और ना किसी के गुमराह और ज़ाल और मुज़िल होने का कोई फतवा देते हैं। जो बात जिस वक्त आई थी उलमा इकराम को जो वजाहत करना था कर दी गई और उन्होंने भी जो सफाई देना था सफाई दे दी। मज़ीद अब इस सिलसिले में इस मसले को छेड़ना उम्मत को इंतशार में मुब्तला करना है। ऐसे अफराद जो है इस तरह का काम करते हैं ये खुद बड़े फितीन मुफसिदीन हैं। ऐसे मुफसिदीन से हम पनाह मांगते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम इन पर पढ़ते हैं, हम साफ कह देते हैं, हम आज भी यहाँ पर जो मरकज़ जैसा चल रहा है हम उसमें हैं और हमें दूसरी तरफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन हम सबको अपने बड़े समझते हुए एहतराम और इकराम का मामला हर एक के साथ करते हैं। यही मौक़िफ़ हमारा जमीयत उलमा के दो हिस्सों में होने के वक्त में था। दारुल देवबंद भी जब दो हिस्से हुआ था, जब भी हमने दोनों अकाबिर का एहतरामी बड़ों से सीखा था, मज़ाहिर उलूम का इख्तलाफ हुआ तो जब भी दोनों का हमने एहतराम सीखा था और आज भी यही हमारे जहन में है। हम किसी की तौहीन करते न किसी को गुमराह कहते। बात उस वक़्त की थी जिस वक़्त उलमा इकराम को जिस वक़्त जो कहना था कह दिया और उसके बाद उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब मज़ीद इसको कोई छेड़खानी करना दरअसल गैर ज़रूरी अकाबिर को बदनाम करना और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना और उनको ऊपर गैर ज़रूरी उसकी वजह से काम को बिगाड़ना है। और ऐसे बिगाड़ने वालों से हम बेताल्लुक़ होते हैं, बरात होते हैं। मेरा बयान इस किस्म का कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी जो अनवान बनाया है वो गलत हैं और जिस तरह का इल्मी एतबार से जो वजाहत थी बस हमने उसकी बात कह दी, इससे ज़्यादा हमारा कोई मसला नहीं है। और आइंदा हम सभी हजरात को कह देते हैं इस मामले में सफाई के साथ मुतमईन रहें, गैर ज़रूरी किसी किस्म के किसी के बयानात से हमारे बारे में गलत फहमी में मुब्तला ना हो। और हमें खुद भी मोहसिनों का आपस में टकराव करना भी अच्छी बात नहीं और मुखलिसिन का एक दूसरे से गलत फहमी में मुब्तला होना भी अच्छी बात नहीं। इसलिए बतौर वजाहत हमने इतना खुलकर कहा है। मज़ीद अगर कहना भी हो फिर एक मरतबा यही कह देते हैं, जो जमात हमारी इस वक्त है यहाँ पर मौलाना साद साहब के नहज पर है, मैं खुद भी उसका ज़िम्मेदार हूँ और इस मस्जिद की तामीर में मेरा काम मैं खुद ज़िम्मेदाराना तौर पर इसके खिदमत में लगा हुआ हूँ। अल्लाह तबारक तआला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। जो गलती है कहीं हमारे से कुछ चूक है हमारे एतबार से अपने एतबार से अपने नफसानी एतबार से अल्लाह उसको माफ़ फरमाए और अपने मकबूल बंदों में हम सबको शामिल फरमाए और उम्मत की हिफाजत फरमाए फितनों से और इन फितना परवर अफराद से और मुफसिदीन की फसाद और गलत किस्म की गलत बयानी करके हमें या किसी भी उम्मत के अफराद को फंसाने या उम्मत में गलत इंतशार फैलाने से अल्लाह हमारी और उनकी भी हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।